अलग अलग अपराधों में जेल पहुंचे अपराधियों ने मिलकर बनाया गैंग, वाहन चोरी सहित कई वारदातों को दिया अंजाम। क्राइम ब्रांच एवं माढ़ोताल पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 3 शातिर चोर गिरफ्तार, 4 थानों के अंतर्गत हुई 9 नकबजनी एवं वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि नकबजनी वाहन चोरियां शहर में, इनके पीछे पुलिस लगातार प्रयासरत रहती है और इसी कड़ी में थाना माढ़ोताल के जो बैठे हुए हैं थाना प्रभारी और CSP साहब बैठे हुए हैं, क्राइम की टीम बैठी हुई है, इन सब के द्वारा सम्मिलित प्रयास कर 3 नकबजनों को पकड़ा गया था। और हमेशा ये प्रश्न उठता है कि साहब और पूछताछ कब की जाएगी और क्या सामान मिलेगा और कितनी चोरियाँ खुलेंगी, तो इस बार इकट्ठी इन लोगों से 9 वारदातों का खुलासा पुलिस ने बड़ी मेहनत से क्राइम ब्रांच और पुलिस थाना जो है उसकी टीम के द्वारा करा गया है। और इसमें 5 नकबजनियाँ यानी घर तोड़ के जो सामान चोरी किया जाता है, जैसा आप देख सकते हैं जेवर हैं, कैश है, मोबाइल है, LED TV है, माढ़ोताल थाने का 1 नकबजनी विजयनगर थाने की, इस तरह से 6 नकबजनियाँ घर में से चोरियाँ जो होती हैं इन चोरों के द्वारा ये बरामद करी गई हैं। और इनके अलावा ये चोर मोटरसाइकिल भी चुराते थे, तो 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं, 2 मदन महल थाने की और 1 गढ़ा थाने से। ये 3 चोर हैं, इनके नाम अजय, अंकुर और अंकुश बर्मन है, अजय पटेल है और ये 2 अंकुर और अमन जो है भाई हैं। तो इन तीनों से सघन पूछताछ करके इस तरह से करीब 7 लाख रुपए की चोरी का खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया। जी हाँ, ये तीनों मिलकर ही चोरी करते थे और ये तीनों का परिचय जेल में हुआ था। जो हम जो बात सामान्यतः सुनते हैं वो सही है कि अलग अलग मामलों में ये जेल में आए और फिर इनके द्वारा पहचान और हुई, फिर निकलने के बाद इन्होंने टीम बना के चोरियों को करना चालू किया। ये 3 ही लोग हैं टीम में, 2 भाई हैं और 1 तीसरा आदमी है।